नमस्कार दोस्तों, शून्यकाल में आपका स्वागत है। पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन है और इस आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड की घोषणा करते हुए लोगों से अपील की है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग दान करें। हालांकि पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष था, उसके बावजूद पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत पड़ी उसकी कोई आधिकारिक अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोगों से पीएम केयर फंड में ज्यादा से ज्यादा दान देने के लिए अपील की जा रही है। राष्ट्रीय चैनल से लेकर मीडिया में और अखबारों में पीएम केयर फंड में दान को लेकर लगातार विज्ञापन आ रहे हैं और छोटे से लेकर बड़े लोग, कर्मचारी, उद्योगपति और फिल्मों के कलाकार सब लोग इस पीएम केयर फंड में दान कर रहे हैं। ऐसे समय में हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य हम आपको सुनाना चाहेंगे जो उन्होंने बहुत पहले लिखा था, और वो था देशभक्ति की पॉलिस। इस चंदे और दान को लेकर ही उन्होंने ये व्यंग्य लिखा था। तो आइए हम उस आपको ये पढ़कर सुनाते हैं, देशभक्ति की पॉलिस। मेरा एक दोस्त विदेश में है। भारत पाकिस्तान लड़ाई के दिनों में मुझे उसका एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, पिछली रात मुझे सपने में भारत माता ने दर्शन दिए। मैंने कहा, माँ तुम्हारी जय हो रही है, हमलावर को मारकर भगाया जा रहा है, तुम्हारे 45 करोड़ बेटे तुम्हारी विजय के लिए सर्वस्व बलिदान करने को तैयार है। भारत माता ने कहा, तुम्हें अपने देश की सही जानकारी नहीं है, मेरी विजय उन 45 करोड़ के कारण नहीं हो रही है, कुछ खास लोग हैं जिनके त्याग पुण्य से मैं जीत रही हूं। मैंने कहा, माँ वे कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, वे हर शहर में है। मैंने डरते हुए पूछा, मेरे शहर में कोई है? तो भारत माता ने कहा, हाँ तुम्हारे शहर में भी फर्म कुंदन लाल संपत लाल के मालिक कंचन बाबू है। दोस्त, इतना कहकर भारत माता तो चली गई और मैं सुबह तक सोचता रहा कि अपने कंचन बाबू देश के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका नाम भारत माता की जुबान पर आ गया है। मुझे बड़ी उत्सुकता है, तुम मुझे फौरन उनके बारे में पता लगाकर लिखो। कंचन बाबू मशहूर आदमी है, चौक में उनकी दुकान है, वह अब रोटरी क्लब और लायंस क्लब के सदस्य भी हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं उनका नाम ज्यादा सुनने लगा था, मगर मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि उनका नाम भारत माता विदेश में लेती है। मैं सुबह उनसे मुलाकात करने गया, चौक के इस तरफ के चौराहे पर भीड़ दिखी, कंचन बाबू का नाम भी सुनाई पड़ा। झांक कर देखा कि कंचन बाबू जूतों पर पॉलिश कर रहे हैं। पास ही एक तख्ती रखी है जिसपे लिखा है कि देश रक्षा के लिए पॉलिश कराइए। पॉलिस की सारी आमदनी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जाएगी। पॉलिस करते हुए कंचन बाबू अच्छे लग रहे थे, वे दुकान पर इतने अच्छे नहीं लगते थे जितने यहाँ लग रहे थे। हो सकता है देश प्रेम की भावना उन्हें तेज दे रही हो, ये भी हो सकता है कि उन्होंने सही धंधा आ पाया हो। वहां बात करने का मौका नहीं था, बहुत व्यस्त थे। मैं शाम को उनके घर गया। मैंने कहा, कंचन बाबू आपका नाम भारत माता विदेश में ले रही है? तो उन्होंने कहा, तुम्हें किसने कहा? क्या भारत माता से तुम्हारा भी कोई संबंध है? नहीं कंचन बाबू, मैंने तो उनकी सिर्फ जय बोली है, मगर आपके प्रति उनकी विशेष ममता है। विदेश में मेरे एक दोस्त को उन्होंने सपने में बताया कि जिन कुछ लोगों के त्याग और पुण्य से उनकी जीत हो रही है उसमें आप भी हैं। कंचन बाबू सकुचा गए, बोले, अरे भाई ये तो उनकी कृपा है, मुझ क्षुद्र का नाम याद रखती है। इधर ये इनकम टैक्स वाले हैं कि हर बार उन्हें खुश रखता हूँ और वे हर बार भूल जाते हैं। पता नहीं भारत माता इनकम टैक्स का महकमा बंद क्यों नहीं कर देती। मैंने कहा, आपसे वह खुश है, उनसे कहिए ना। वो बोले, हाँ मुझे मिले तो मैं उनसे कहूँ कि माता तुम्हारे इतने महकमे चलते हैं, इस एक को बंद करा दीजिए, नए इनकम टैक्स अफसर को तो उनसे कहकर बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा, कंचन बाबू आपने देश सेवा का ये तरीका ही क्यों अपनाया, यही पुलिस वाला? वह बोले, देश की पुकार मेरी आत्मा में गूंज उठी और मैंने प्रण किया कि मातृभूमि के लिए मैं जूते पॉलिश करूंगा। मैं हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे पॉलिश करता हूं और सारी आमदनी सुरक्षा कोष में देता हूं और ये सिलसिला जारी रखूंगा। मैं उनकी तरफ देख रहा था, वो नज़र बचा रहे थे, बचते बचाते भी नज़र मिल गई तो मैं हंस पड़ा।
वे भी हंस दिए, बोले तुम्हें भरोसा नहीं हुआ, अच्छा सच बताऊं? तो उन्होंने, मैंने कहा बिल्कुल सच, तो सुनो यार, ये तुम्हारे चंदे वाले बहुत तंग करते थे। मैंने कहा कौन चंदे वाले? अरे यही राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वाले, यूं तो हम चंदे वालों के मारे हमेशा परेशान रहते हैं, रोज कोई ना कोई चंदा लगा रहता है, कभी गणेश उत्सव है तो कभी दुर्गा उत्सव, कभी विधवाश्रम वाले आते हैं तो कभी अनाथालय वाले, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वाले आने लगे हैं। मगर कंचन बाबू, अनाथालय का चंदा और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष क्या एक से हैं? भाई अपने लिए तो एक ही है, चंदा चंदा सब एक। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा अनाथालय है, अनाथालय के लड़के बैंड बजाकर चंदा मांगते हैं और ये देश वाले नारे लगाकर, वे अनाथों की परवरिश के लिए मांगते हैं और ये देश की परवरिश के लिए। फिर दूसरों को तो रुपया दो रुपया देकर टाला जा सकता है, पर ये देश रक्षा वाले तो बहुत मुंह फाड़ते हैं, कहते हैं 2,000 दीजिए, 3,000 दीजिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं चुप रहा, उन्हें अब प्रश्न की जरूरत नहीं थी, वे समझाने लगे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भैया देश की रक्षा करना है तो ये तो मैंने माना, पर जरा किफायत तो करो, देश रक्षा क्या किफायत में नहीं हो सकती? ज्यादा खर्च होता हो तो कह दो कि भाई इस भाव में हमको पूरा नहीं पड़ता। वे क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि कंचन बाबू, देश रक्षा में किफायत नहीं देखी जाती, देश प्रेम कोई धंधा नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तैसे ये गए तो दूसरे आ गए, कहने लगे मजदूर भी महीने में एक दिन का वेतन सुरक्षा कोष में दे रहे हैं, आप भी महीने में एक दिन की आमदनी दीजिए। मैंने कहा देशभक्तों, मैं अगर मजदूरों की जैसे करने लगूंगा तो मैं भी किसी दिन मजदूर हो जाऊंगा। वे टले तो तीसरा गिरोह आ गया, ये जरा तेज लोग थे, रिकॉर्ड वगैरह देख कर आए थे, आते ही उन्होंने गोली दाग दी। कंचन बाबू, दूसरे महायुद्ध में आपकी दुकान से अंग्रेज सरकार को 10,000 रुपये वार फंड में दिए गए थे, जब आपने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए इतना दिया तो अपने देश की रक्षा के लिए 5,000 तो दीजिए, देखो कैसी पकड़ की है। दूसरा होता तो चित्त हो जाता, पर मैं कंचन कुमार हूं। मैंने जवाब दिया, देखो भाई, लड़ाई कमाने का मौका है, गंवाने का नहीं। दूसरे महायुद्ध में हमारे पिताजी बन गए थे, 10 लाख कमाया तो 10,000 दे भी दिया, लो साहब और एक आध साल लड़ाई चलाओ। अब 18 साल में ये एक ढंग की लड़ाई छिड़ी है, पर 8 दिन भी नहीं हुए कि आप मांगने आ गए और तुम्हारे देश की लड़ाई से कुछ कमा लें तो तुम्हें भी दे देंगे। वह रुके तो मैंने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पॉलिश करने की बात आपको कैसे सूझी? उन्होंने कहा, वही बता रहा हूं, तो मैं इन चंदे वालों से परेशान था, इसी बीच मेरा लड़का आया, वह लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता है, उसने कहा कि मुझे भी हॉस्टल के लड़के बहुत तंग करते थे, कहते हैं कि तुम जेब खर्च में से बचाकर आधा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दो। मैंने सोचा आधा जेब खर्चा इन्हें दे दूं तो जिंदगी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा, तो एक रात मुझे तरकीब सूझ गई। दूसरे दिन इतवार था, मैं पुलिस का सामान लेकर हॉस्टल के सामने बैठ गया और घोषणा कर दी कि मैं हर इतवार को जूतों पर पॉलिश करके राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा। बस फिर क्या था, पैसा भी बचा और लड़के भी जय बोलने लगे। यार तुम्हारी ये नई पीढ़ी है तेज, कैसे क्रांतिकारी विचार आते हैं इनके दिमाग में, हम लोगों का नेतृत्व यही क्रांतिकारी पीढ़ी करेगी। बस मैंने लड़के को गुरु माना और ये पॉलिश वाला काम शुरू कर दिया। लोग मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं देखो इतना बड़ा आदमी होकर देश के लिए पॉलिश कर रहा है, मैंने लोगों के दृष्टिकोण में ही क्रांति कर दी है। मैंने पूछा, और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वाले? तो उन्होंने कहा, वे अब मुझसे अब चंदा नहीं मांगते, जो मुझे देशद्रोही कहने लगे हैं वे मेरी फोटो खींचते हैं, अब तो मैं उनके मुर्दाबाद के नारे लगवा सकता हूँ। मैंने ये सारा हाल लिखकर अपने प्रवासी मित्र को भेज दिया है, साथ ही ये भी लिख दिया, दोस्त अगर दोबारा भारत माता तुम्हारे सपने में आए तो जरा ध्यान से देखना, बात यह है कि इधर दुश्मन के घुसपैठिए स्त्री का वेश धारण कर घुस आते हैं, मुझे शक है कि वे सपने में भी घुसने लगे हैं।